हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास एंड आज हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दिस क्लास हियर प्लीज लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल गाइज सो इंडियन इकोनॉमी अगेन एक uh, ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली बट uh, बच्चों को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होता है ना समझने में डिफ़िकल्ट होता है किस तरह से कवर करना है क्या पढ़ना है काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देखा इंडियन इकोनॉमी पर रहते हैं चाहे हम प्रुलिम्स की बात करें अराउंड फिफ्टीन प्लस माइनस रहता है इस बार तो लगभग सत्रह से अट्ठारह क्वेश्चन आपने देखा प्रलिम्स के अंदर रहे और यहाँ पे ये जो पूरा कोर्स रहेगा हमारी ये सीरीज रहेगी है ना जिसके अंदर हम ये पूरी जो बुक है रमेश सिंह सर की बुक जो है दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट है ना बुक जो इकोनॉमी के सिलेबस को बहुत ही रेलेवेंट वे में बहुत ही अच्छे वे के अंदर आसानी से समझाने वाले तरीके में ठीक है ना ये कवर कर रही है तो आ, ये लेटेस्ट एडिशन हम सर की बुक का कवर करेंगे यहाँ पे और आ, ये पूरी बुक यहाँ पे कवर रहेगी इसकी क्लास आपकी जो है डेली बेसिस पे रहेगी दस बजे के आसपास डेली एक क्लास होगी इंडियन इकोनॉमी को जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं अराउंड ट्वेंटी वन चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक है ना और सारे चैप्टर हम लेंगे लेक्चर वाइज लेंगे विल ट्राई टू कवर विद इन आई मीन फोर्टी टू लेक्चर फोर्टी लेक्चर्स के आसपास हम इसको पूरा सम करने का प्रयास करेंगे क्या क्या यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड है आपके प्रॉब्लम्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है ठीक है ना मेजोरिटी ऑफ़ द पोर्शन ठीक है ये कवर हो रहा है मेंस के परस्पेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे कवर हो जा रही हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं यू विल बी एबल टू इंटरलिंक द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन द करंट परस्पेक्टिव ठीक है जिस भी तरह से आ रही है तो वो आपकी एक तो करंट अफेयर की रीडिंग को बेहतर बनाएगा आपको प्रलिम्स के अंदर मेन्स के अंदर हेल्प कर रहा है और प्रलिम्स में आपने देखा इस बार जैसे सत्रह अट्ठारह क्वेश्चन पूछा है मेन्स के अंदर अगर आप देखोगे जीएस पेपर थ्री में सबसे ज्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स का है अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट तक वेटेज इसका रहता है क्लियर तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जहां पे स्कोर करना आसान है अगर आपने एक बार चीज को समझ लिया कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है ट्वेल्थ एडिशन है ठीक है दिस इज अगेन फाइन है ना जो भी uh, नया चीज़ें होंगी वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है एक बार मुझे बस थम्सअप कर दीजिए आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स यर दैट एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज़ फाइन आपके कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी आपके पास जो भी एडिशन है वो ठीक है उसको अभी रखिए क्लास पे हम फोकस करेंगे तो जो एडिशनल चीज़ें होती हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं क्लियर क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ये जो क्लास है इसमें हम पूरी बुक यहाँ पे कवर करेंगे लेक्चर सीरीज रहेगी मतलब डेली बेसिस पे ये क्लास आपकी दस से साढ़े दस के आसपास मतलब रहेगी इसी टाइम पे आपकी क्लास रहेगी डेली बेसिस पे ये क्लास रहेगी इसी चैनल पर ठीक है और जो भी क्लास रिलेटेड अपडेट होंगे इसके पीडीएफ के जो नोट्स होंगे ठीक है ना फॉर्म के अंदर जो भी सब चीज़ें आपके पास में हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो नाम डाल के आप सर्च कर लेना और क्यों हम ये बुक ले रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को बनाया गया है यू की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक लिखी है और सर ने जिस आसानी के साथ कॉन्सेप्ट को समझाया है वो एक ईज हमें चाहिए होती है ठीक है ना वो एक ईज हमें चाहिए होती है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है बड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं बच्चे कहते हैं सर ट्वेल्थ की एनसीआर हर टॉपर यहाँ पे सजेस्ट करता है ट्वेल्थ की एनसीआर पढ़ो लेकिन जब हम एनसीआर पढ़ने जाते हैं ट्वेल्थ वाली तो हमें समझ नहीं आता फाइन जबकि वहां से वो एक ऐसी एनसीआर है बहुत छोटी सी एनसीआर है उसमें पांच ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और वहां से हर साल आपके क्वेश्चन रहते हैं बट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द एनसीआर तो ये एक बहुत खास बात है बुक की और इसलिए हमने ये बुक यहाँ पे ली है इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए जो बहुत ही अच्छे वे के अंदर हमारा सिलेबस यहाँ कवर कर रही है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे छोटे कुछ अपडेट्स हैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन बाई है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अगर आप हिंदी जानते हैं तो जो नई जो टर्म्स होगी उसको आप कर लेना ट्रांसलेट बस इतना सा ही एफर्ट रहेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये लिंक है इस पर आप मुझे फॉलो करिए ठीक है यहाँ पे आपकी प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री स्पेशल क्लास होती है और अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेंस के परस्पेक्टिव से करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं मेंस के परस्पेक्टिव तो ये 12 बजे अभी आपकी क्लास रहेगी मेंस के परस्पेक्टिव से करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और एक और मैं यहाँ पे अपडेट आपको दे दूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस जो आपका है जहाँ पे हम न्यूज पेपर इसको कवर कर रहे हैं ये जो है आपका न्यूज़ एनालिसिस इसको हमने शिफ्ट कर दिया है आठ बजे तो ये जो क्लास है आपकी बंद नहीं हुई है शाम को आठ बजे हमने इसको शिफ्ट कर दिया मॉर्निंग में हमारा इकोनॉमी का ये सेशन रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर अन एकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे आप कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपकी जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों की प्रिपरेशन इंक्लूड है ठीक है तो ये जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह से प्लान ओपन होते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए एंड पुट द कोड पुदी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस मेक श्योर वाइल गोइंग स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम आपको शेयर कर दिया है इकोनॉमिक्स uh, के अंदर शुरू में uh, होता क्या है इसका मतलब समझाने की कोशिश की गई ठीक है uh, काफी सारी डेफिनेशन uh, को यहाँ पे देखा गया और कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस बुक के अंदर मैंशन की गई जो कि हमें मतलब बताती हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है फिर आगे ये बताएगी कि इकनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंदर अंतर क्या होता है ठीक है ना वाट आर द वेरियस डिसिप्लिन है ना ब्रांचेज क्या है मैक्रो माइक्रो ये क्यों डिवाइड हुआ इसका मतलब क्या होता है हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स सिलेबस में क्यों डाला है फाइन क्योंकि आप जो है यूपीएससी की हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं ठीक है ना तो एज़ ए ब्यूरोक्रैट आपको क्यों ये इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है क्या ये इसीलिए है कि आपके पेपर को हार्ड बनाया जाए ठीक है ना एग्ज़ाम को हार्ड बनाया जाए या फिर आप ये जब इकोनॉमिक्स की चीज़ें हम जब पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे चलेंगे यू विल गेट टू नो कि हाँ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें पता होनी चाहिए ठीक है एज अ ब्यूरोक्रैट तो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट uh, बन रहे हैं कहीं पे भी पॉलिसी uh, मेकिंग कर रहे हैं या कहीं पे आप आई ऑफिसर लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर इश्यूज हैं उस पर आपकी राय होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग में आप इनपुट दे सकें इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बना सकें जैसे गरीबी निवारण है है ना पॉवर्टी एलिविएशन है महंगाई को कम करने की बात है लोगों को राहत देने की बात है वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात है ठीक है गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई तो वो सारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास होनी चाहिए इसलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है ना जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है फाइन इकोनॉमिक्स का ई भी समझ में नहीं आता है कि सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा ही हमें इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता या फिर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इस तरह की जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे सारे आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे है ना बस क्लास को थोड़ा ध्यान से रखना अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे पी फॉर्म में टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा बट कहने का मतलब है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एक अपना जो है रजिस्टर कॉपी और पेन हाथ में ले रखिए तो उसके अंदर जो मैं समझा रहा हूँ उसको पॉइंट फॉर्मेट में नोट करना है मतलब आपके खुद के शॉर्ट नोट्स वो होंगे जिसे आप खुद रिवाइज कर सको ये नोट्स तो आपके पास रहेंगे बुक आपके पास रहेगी वो सब चीजें अपने पास लेकिन क्लास के जो नोट्स हैं उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है वो आप बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं ठीक है तो देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर uh, क्या है इकोनॉमिक्स डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कॉस रिसोर्सेज अब हो क्या रहा है uh, रिसोर्स जिस आ, कुछ भी रिसोर्स है जैसे मनी है पैसा है वो हमारे लिए रिसोर्स है ठीक है ना वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स तो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं लिमिटेड हैं ठीक है ऐसा तो है नहीं कि जो आप किसी के घर पे पैसे का फेड़ लगा हुआ है ठीक है ना तो जितना पैसा चाहिए वो उतना निकाल लिया सो so बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो पैसा है वो लिमिटेड अमाउंट में है और पैसा आपके लिए रिसोर्स है हमारे सबके लिए रिसोर्स है क्यों क्योंकि उसकी वैल्यू है ह्यूमन लाइफ के अंदर ठीक है ना हमारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए उसकी वैल्यू यहां पे है बिल्कुल आयुष यहां पे हम ये पूरा आप बुक करेंगे और इसके अंदर ये पूरा सिलेबस ये हो जाएगा बिल्कुल पूरा बेसिक से हम पढ़ रहे हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपका फंडामेंटल कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में आपका कोई बेस नहीं है बिल्कुल जीरो बेस है तो आपके लिए ये क्लास है अगर आपने सब चीज़ें पढ़ ली स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि ये सर क्वेश्चन तो यहाँ से तो आया था लेकिन मेरे समझ नहीं आया गलत हो गया या मेन्स में आपसे क्वेश्चन अटम्प नहीं हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ी इंटरलिंकिंग भी हम करेंगे ठीक है ना जो इशूज़ चल रहे हैं जब हम आगे बढ़ेंगे कोई भी जैसे बैंकिंग हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह के इश्यूज चल रहे हैं एनपीए को लेके क्या नई चर्चाएं वो भी मैं थोड़ा आपको अपडेट यहाँ पे करता रहूँगा मैनेजमेंट ऑफ स्कॉर्स रिसोर्स की हम चर्चा कर रहे हैं और इसका क्या मतलब होगा देखिए जैसे घर के अंदर हम क्या करते हैं आपने जनरली देखा होगा पेरेंट्स हैं या मदर्स होती हैं तो वो बड़ा प्लान करके चलते हैं अपना बजट प्लान करके चलते हैं कि हमारा मंथली बजट इतना है है ना लेटरस अज्यूम कि हाँ टेन थाउजेंड रुपीज़ है तो उसमें से कहाँ पे कितना खर्च करना है ना टेन थाउजेंड रुपीज़ हमारे पास है तो रेंट पे इतना चला जाएगा समझ रहे हैं आप तो वो क्या कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं आपके जो रिसोर्स है जो रेंट पर इतना चला गया ठीक है फूड आइटम्स पे इतना चला गया बच्चों की एजुकेशन पे इतना चला गया मिसलिनियस हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो वो पूरा अपना मैनेज करके चल रहे हैं कि कितनी हमें सेविंग करनी है कहाँ पे कितना खर्चा है कैसे करना है क्यों क्योंकि वो जो आ, हमारे पास पर्टिकुलर रिसोर्स है इन दिस केस वी हैव दिस मॉनिटरी रिसोर्स जो पैसा है वो क्या है लिमिटेड है लिमिटेड है तो हमें ये जो इकोनॉमिक लॉजिक है हम यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में हमारे पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं हम खुद यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं और आपको जो भी मंथली आपका जो पॉकेट मनी आ रहा है लेटर से फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ आ रहा है ठीक है ना अब आपने पाँच हज़ार रुपये रेंट पे देना है तीन चार चार हज़ार रुपये आपने खाने पे खर्चा किया फिर आपकी पढ़ाई है स्टेशनरी एक्सेट्रा ट्रांसपोर्टेशन ये सब चीज़ें फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ना घूमने जाना है ठीक है आपको घूमने जाना है और एक ऑप्शन वहाँ पे है कि यहाँ घूमने अगर मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग वगैरह पे तो छः हज़ार पाँच से छः हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है दूसरी तरफ है कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ठीक है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी पैसा चाहिए तो यहाँ पे आप अपना ये जो है जो भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन है अपने हिसाब से आप यूज़ करोगे क्योंकि अगर एक चॉइस के लिए जाते हो तो दूसरी जगह पर जैसे आप मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया घूमने जाना है तो फिर वो जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना था एजुकेशन में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन नहीं की तो फिर उसके नुकसान हैं तो आप कहोगे कि नहीं घूमने तो बाद में भी जा सकते हैं ये चीज़ पहले ज़्यादा ज़रूरी है तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक लॉजिक यहाँ पे डील हो रहा है और इकोनॉमिक uh, लॉजिक के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं है ना इंडिविजुअल्स मतलब आम आदमी जो भी हैं हाउस होल्ड मान लीजिए या फिर जो फॉर्म्स हैं बिजनेस फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं ये अपनी चॉइसेस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इकोनॉमिक लॉजिक अपनी चॉइसेस मेक करते हैं कि, कि किस हिसाब से हमें यहाँ पे कौन सी चॉइस के लिए जाना होगा ठीक है मान लीजिए किसी घर के अंदर चर्चा चल रही है कि हाँ कार खरीदनी है ठीक है फिर एकदम से आता है कि नहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए भी है तो फिर वो कार वाला जो डिसीजन है वो थोड़ा होल्ड पर रखा जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है तो वो सारी जो चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स इसी को यहाँ पे स्टडी कर रही है कि किस तरह से ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स या फैक्टर्स हैं ये चॉइसेस अपनी मेक कर रहे हैं इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ यूज स्कॉर्स रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज हमारे पास सीमित संसाधन जो है उनको कैसे यूज़ करना है कैसे उनका ऑप्टिमम यूज़ किया जा सकता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो ह्यूमन लाइफ है उसको बेहतर बनाना ठीक है ना सभी के लिए एक अच्छी जो लाइफ है वो इंश्योर करना दिस इज़ द गोल हियर टू प्रोड्यूस वैल्यूबल कमोडिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट पीपल तो ये इकनॉमिक क्या कर रही है इकनॉमिक्स क्या कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है फॉर uh, एग्जाम्पल आपने जो भी इनपुट्स हैं वो लिए ठीक है उससे किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया फिर उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया डेफिनेटली सम मोटिव शुड बी देयर है ना प्रॉफिट इज़ वन ऑफ द मेजर मोटिव तो इस तरह से जो मोटिवस हैं उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन आ गया डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कंजम्पशन है ट्रेड है ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल है तो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स स्टडी कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द मैनकाइंड और अब हम आगे मूव करते हैं ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स देखिए जो ब्रांच का वैसे डिवीज़न हुआ ये हम आगे भी अभी पढ़ेंगे कि कैसे जो ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 वाला उसके बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है आ, उस पर हम बाद में आएंगे लेकिन अभी के लिए ब्रांचेज अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें कि इकोनॉमिक्स जो है ये तो हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स डील कर रही है जो आ, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको कैसे हम आ, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ से इकोनॉमिक्स यहाँ पे डील कर रहा है दिस इज़ बेसिकली काइंड ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन जिसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं थ्योरी हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं कि कैसे रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर इकनॉमिक्स के अंदर दो ब्रांचेज हैं दो ये इस तरह से है जैसा किताब में एक एग्जाम्पल भी मैंशन किया गया कि आपका एक फॉरेस्ट है, है ना आप पूरी फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हो तो वो हो गया मैक्रो बड़े लेवल पे माइक्रो मतलब आप ट्रीज की एक जो ट्री लेवल पे है वो स्टडी कर रहे हो छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हो वो हो गया माइक्रो मैक्रो और माइक्रो नाम से भी पता चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे लेवल पे ये जो है इस तरह से देखेगी मान लीजिए कोई कंपनी है वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि मुझे कितनी कार्स बनानी है कोई कंपनी यहाँ पे सो so कार बना रही है लेटेस से सो कार बना रही है। अब कंपनी देखती है कि क्या मार्केट uh, को स्टडी करती है जो भी ट्रेंड है वो चल रहा है डिमांड कैसा चल रहा है वो देख के यहाँ पे डिसाइड uh, किया जाता है कि कंपनी uh, यहाँ पे कार का जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगी घटाएगी इस तरीके से तो ये जो इंडिविजुअल uh, बेसिस पे मतलब छोटे लेवल पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं स्मॉल लेवल पे जो इंडिविजुअल्स डिसीजन ले रहे हैं हाउस होल्ड डिसीजन ले रहे हैं स्मॉल लेवल बिजनेस जो डिसीजन ले रहे हैं इनके बिहेवियर को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक्टर्स एक्टर का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है कि किस बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले रहे हैं तो उसको ये स्टडी कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो वो एग्जाम्पल यहां पे सेट हो जाएगा ठीक है ना एक ट्री लेवल पे छोटे लेवल पे चीजों को देख रहा है लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है और यही देखिए मैंने ये एक एडिशन किया था कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए ये चार्ट आपके लिए डाला है डिसीजन ऑफ़ इंडिविजुअल्स डिसीजन ऑफ द फर्म्स इंडिविजुअल कंज्यूमर कि क्या मुझे ख़रीदना है है ना कौन सा ब्रांड ये परचेज़ कर रहे हैं या कौन सी चीज़ ये खरीद रहे हैं किस बेसिस पे ख़रीद रहे हैं दिस इज़ ऑल द थिंग मैक्रो इकोनॉमी में अगर आप आएंगे तो मैक्रो इकोनॉमी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ़ द इकोनॉमी एज ए होल पूरी इकोनॉमी को वो स्टडी कर रहा है ठीक है ना वो किसी एक कंपनी की हाउस होल्ड लेवल पे या किसी इंडस्ट्री की इस तरीके से बात नहीं कर रहा है वो पूरी इकोनॉमी को देख रहा है तो ऐसे इंडिकेटर जो कि पूरी इकोनॉमी को असेस कर रहे हैं ठीक है ना ऐसे इंडिकेटर जो पूरी इकोनॉमी के बारे में हमें बता रहे हैं कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहलाएंगे और इकोनॉमी की ऐसी स्टडी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है दैट विल बी नोन एज अ मैक्रो इकोनॉमी क्या कहलाएगी मैक्रो इकोनॉमी और हमारे लिए भी ये मैक्रो इकोनॉमी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है है ना इसी के ऊपर है मैक्रो इकोनॉमी इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमी की एनसीआरटी आपको पढ़नी है क्लियर क्योंकि आप देखोगे हाँ नाइन्टी टू नाइनटी तक यहीं से आपका रहता है कभी कभी कोई पूछ लिया इक्का दुक्का दिस इज फाइन तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमी रहेगा मैक्रो इकोनॉमी में क्या कर रहे हो आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो जैसे मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन अभी महंगाई का चर्चा चल रहा है ना महंगाई पूरे विश्व में ही महंगाई हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे जियोपोलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं कोविड की वजह से सप्लाई चेन इशूज़ पहले से ही चल रहे थे तो हम देखेंगे हर जगह पर महंगाई चल रही है यूरोप हो यू हो हर जगह पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं कहीं पच्चीस साल का कहीं चालीस साल का रिकॉर्ड टूट रहा है श्रीलंका है पाकिस्तान हमारे पड़ोस में बुरा हाल है महंगाई से ठीक है पाकिस्तान में तो डबल डिजिट डिजिट पे चल रहा है जैसे इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन है है ना ये भी हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन वगैरह पूरा चैप्टर है अभी के लिए सिंपल शब्दों में समझिए महंगाई वो डबल डिजिट में चला गया है है ना तेरह चौदह परसेंट पर चला गया है और इंडिया में ये सात परसेंट है तो ही आप देखोगे इंडिया में महंगाई को लेके कितने इश्यूज़ हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कहीं पे अगर इंडिया से भी डबल महंगाई है उससे भी ज़्यादा महंगाई है तो क्या इश्यूज़ चल रहे होंगे तो इस तरह के जो इंडिकेटर हैं जो पूरी इकोनॉमी की यहाँ पे हमें स्टेटस बताती हैं पूरी इकोनॉमी के बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ों को जानने का हमें मौका देती हैं वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन क्या हो गया महंगाई अब हम बात करें अच्छा पॉवर्टी पॉवर्टी इज अगेन वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्योंकि गरीबी की क्या स्थिति है वो पूरी इकोनॉमी में यहाँ पर चर्चा होगी इसी तरह से अगर हम और चीज़ों को देखते हैं जैसे नेशनल इनकम को लेते हैं फाइन जी हो गया इकोनॉमी का टोटल आउटपुट हो गया तो ये ये सब क्या आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आएंगे जिनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है नेशनल इनकम है नेशनल इनकम के जो वेरियस इंडिकेटर्स हैं जैसे जीडीपी हो गया है ना या फिर जीएनपी uh, हो गया या फिर नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं ये सारी चीजें तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ही मैक्रो इकोनॉमी में ये सब मैक्रो इकोनॉमिक के इंडिकेटर इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है ना जी एक ऐसी चीज है जिसको आप सुनते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग कि हाँ ये जीडीपी क्या होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं कितने तरह की जीडीपी होती है फाइन और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट हो गया ठीक है ना रोजगार को लेकर क्या स्थिति है इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी जैसे इश्यूज हो गए एग्रीगेट डिमांड टोटल जो डिमांड है उसको लेके क्या स्थिति बनी हुई है ये सारे क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और इन्हीं को हम मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं मतलब मैक्रो इकोनॉमी अब आपको आइडिया लग गया होगा क्यों ही मैक्रो इकोनॉमी ही हमारा फोकस एरिया होगा क्यों क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट आपको पता होना चाहिए कि अगर महंगाई हो रही है तो उसके क्या कारण है ना कैसे कम किया जा सकता है या फिर गरीबी को हटाने के लिए पॉवर्टी एलिविएशन के लिए क्या किया जा सकता है क्लियर ये सब चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या किया जा सकता है फाइन बहुत ही फंडामेंटल्स जो है आ, हमारा जो आउटपुट है इकोनॉमी का वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमी कैसे तो एज ए ब्यूरोक्रेट या फिर एज ए मतलब अगर हम देखें सिटीजन लेवल पे भी ना एक एजुकेटेड पर्सन सिटीजन के हिसाब से भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए आ, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमी में होता है इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों यहाँ पे यूपीएससी का फोकस एरिया मैक्रो इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमी है क्यों हमें मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी यहाँ पे करनी होती है अगर आप देखेंगे इलेवंथ क्लास की एनसीआरटी है ना तो उसके अंदर भी वेरियस जो मेजर इश्यूज हैं पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट इनको लेके अलग अलग चैप्टर हैं जो डिस्कस किया गया है फाइन तो ये है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर बिग पिक्चर हमें मिल रही है मतलब एक इकोनॉमी एज ए होल पूरी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है छोटे छोटे लेवल पे हम नहीं देख रहे हैं ठीक है क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर या पॉलिसी लेवल पे अगर आपको देखना है आपको चीजों को देखना है तो आपको एक मैक्रो व्यू चाहिए ठीक है किस तरीके से ऊपर चल रहा है जैसे होता है ना एक व्यक्ति अगर रोड पे चल रहा है ठीक है तो उसे आगे से पता नहीं चल रहा कि अच्छा कैसे आगे क्या होगा अगर वही दूसरा व्यक्ति थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा है तो उसको थोड़ा दूर तक दिख रहा है तो आपको वो दूर तक देखने वाली चीज़ चाहिए एज ए ब्यूरोक्रेट आपके पास में ये अंडरस्टैंडिंग uh, होनी चाहिए क्योंकि देश के अंदर जो भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं है ना उन सब के अंदर कहीं ना कहीं इकनॉमी रोल प्ले करती है इवन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी इकनॉमी का रोल रहता ही है इकनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है ठीक है तो या फिर रोजगार है अगर आ, हमारे अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं गरीबी कम हो रही है ठीक है जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है नए नए बिजनेसेस हो रहे हैं महंगाई जो है कंट्रोल में है तब तो ठीक है अगर महंगाई बढ़ गई है तो फिर सरकार का दोबारा आना मुश्किल है ठीक है ना महंगाई और ये ऐसे मुद्दे हैं महंगाई रोजगार जो सरकार बना भी सकते हैं गिरा भी सकते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा चीज़ों को विजुअलाइज करते रहना बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगा मतलब रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है और ये भी एक अच्छी चीज है जिस ईज के साथ सर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मेंशन किया वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस किताब के बारे में सो बिग पिक्चर हमें यहाँ पे दे रही है ये सारी चीजें हमने देख लिया ठीक है ना अब ये जो दो टर्म आती है एक लिखा होता है इकोनॉमिक्स एक लिखा होता है इकनॉमी सर इनमें क्या डिफरेंस होता है तो अगर सिंपल टर्म में कहा जाए इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक्स इन एक्शन है ना इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है जो भी प्रिंसिपल हैं जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो भी थ्योरीज हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं ठीक है ना वो इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स तो क्या हो गया एक तरह का सब्जेक्ट हो गया कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज कर सकें बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं वो चर्चा यहाँ पे इकोनॉमिक्स करती है कि कैसे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से एफिशियंट तरीके से यहाँ पे यूज किया जाए ताकि हमारा आउटपुट मैक्सिमम रहे वहीं जो इकोनॉमी है इसके अंदर क्या होगा ये एक तरह से जो है कोई भी जो जोग्राफिकल एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमी मतलब जैसे अगर हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी यही तो कहते हैं यूएसए की इकोनॉमी हो गया है ना जापान की इकोनॉमी हो गया इंडिया की इकोनॉमी हो गया तो इकोनॉमी क्या है जहाँ पे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओके ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑल ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया तो वो जो एरिया है या जो कंट्री है पर्टिकुलर उसके लिए हम ये यह इकोनॉमी यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं सो इकोनॉमी एंड कंपास ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन कंजम्पशन ट्रेड ऑफ द गुड्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया और ए कंट्री तो जनरली कंट्री के बेसिस पे हम बात करते हैं तो इस तरह से कई बार स्टेट के लेवल पे भी हम इकोनॉमी की चर्चा करते हैं अच्छा महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसा कर रही है तो ये दोनों में डिफरेंस आप देख लेना ठीक है आई होप दिस इज क्लियर हियर जी हाँ ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्लास क्या रेगुलर रहेगी की ये आपकी क्लास डेली रहेगी और 10 बजे हमने इसका टाइम रखा हुआ है और आपकी जो डेली न्यूज एनालिसिस है ना वो वाली जो क्लास है वो हमने 8 बजे शिफ्ट कर दिया वो 8 पीएम पे शिफ्ट हो गई है तो अभी आपकी यूट्यूब पे दो क्लासेस डेली बेसिस पे हैं एक तो सुबह 10 बजे वाली ये क्लास है और शाम को 8 बजे वाली ये क्लास है काफी सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्या हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन होते भी हैं या नहीं है एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हाँ किस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आते हैं तो कितने आसानी से आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छी बात यह है एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए हमेशा के लिए वो चीज़ खत्म हो गई ठीक है उसको रटने की जरूरत नहीं है बार बार तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो मेक श्योर sure कि आप यहाँ पे रेगुलर रहें कंसिस्टेंट रहें यही सबसे बड़ा चैलेंज है ठीक है ना सबसे बड़ा चैलेंज यही है कंसिस्टेंसी जो है अगर आपका जो आपको ऑर्डनरी से थोड़ा इम्प्रूव करना है यू नीड टू हैव दिस कंसिस्टेंसी ठीक है ना कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसीज़ देखी धीरे धीरे चीज़ों को आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंप्रूव करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी हम क्या करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर दिया ताकि उनको स्टडी करने में ईजी होगा जैसे आप होता है ना अपना रूम है आप किसी फ्रेंड के रूम में गए ठीक है तो या आप किसी भी रूम में गए तो वहाँ पे आपने देखा बड़ा मतलब इस तरह से बुक्स पढ़ी हैं पता नहीं कौन कौन सी बुक कहाँ पढ़ी है कुछ नहीं मिल रहा है अस्त व्यस्त पढ़ा है बिल्कुल अब आपको कुछ ढूंढना है जोग्राफी की पता चला एक जोग्राफी की बुक यहाँ है दूसरी जोग्राफी की बुक वहाँ पे है तो जनरली क्या करते हैं जमा के रखा जाता है है ना हम क्या करते हैं उनको कैटेगराइज कर देते हैं अच्छा ये मेरे जोग्राफी के नोट्स हैं जोग्राफी की बुक्स हैं ठीक है ये सारी चीज़ें या फिर आपने ऑनलाइन भी बना रखा है अपने लैपटॉप में तो फोल्डर आप बना लेते हो ठीक है तो इससे क्या होता है आसानी हो जाती है आपको तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं ऑन बेसिस ऑफ सम कॉमन क्राइटेरिया कुछ कॉमन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई या एक तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं सेक्टर्स के रूप में है ना तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी वैसे तो मेजर तीन सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपने सुना होगा एनसीआरटी में भी पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पे टर्शरी सेक्टर के दो और सेक्टर हो गए क्वार्टरनरी और क्वीनरी तो यहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर तो पढ़ेंगे ही क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर को भी पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये सर क्वार्टनरी में क्या आएगा क्वीनरी में क्या आएगा वो सारा कंफ्यूजन क्लियर आपका हो जाएगा सो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यहां पे हमने क्या किया क्यों हम सेक्टर्स पे जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया ठीक है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम और अच्छे से स्टडी कर सकें कुछ कॉमन एक्टिविटीज एक जगह पे कैटेगराइज हो जाएंगी तो हमें वो इजी ये रहेगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होगा देखिए इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट आपको समझना है प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर या जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर क्या आएंगे ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं किस पे हैं डायरेक्टली जो है नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं मतलब वैसे तो हर जगह पे कुछ ना ने कुछ नेचुरल रिसोर्स का यूज रहेगा लेकिन मेजर पोर्शन जैसे आप देखोगे एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर एक्टिविटी है है ना अब एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल अगर यहाँ पे नहीं रहेगा यू हैव दिस दॉइल वाटर यही तो सारी चीजें हैं तो नेचुरल रिसोर्स पे ही ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आ रहा है सिमिलरली आप देखोगे फॉरेस्ट्री है फिशरीज है ठीक है लाइव स्टॉक फार्मिंग है जहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह हैं तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जहाँ पे आप क्या कर रहे हो डायरेक्ट यूज कर रहे हो किसका नेचुरल रिसोर्सेज का नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज है मतलब उसके बिना वो एक्टिविटी नहीं हो सकती मेजर कॉम्पोनेंट उसका वही है तो ये होगा इवन जो माइनिंग होती हैं माइनिंग एक्टिविटीज हैं उनको भी प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे रखा गया है एग्रेरियन इकोनॉमी अब यहां पे एक क्लासिफिकेशन ये भी दिया गया कि अगर कोई भी ऐसी इकनॉमी है है ना जिसका आउटपुट यहाँ पे मान लीजिए हंड्रेड है हंड्रेड में से अगर पचास या उससे ज्यादा मतलब मोर देन फिफ्टी या फिफ्टी से ज्यादा जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर सेक्टर से है तो उसको हम वो इकोनॉमी कह देते हैं जैसे एग्रेरियन इकोनॉमी कह दिया जाएगा अगर पचास से ज्यादा है तो तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ होगा नेचुरल रिसोर्सेज का तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आ जाएंगी जैसे एग्रीकल्चर आपको दिख रहा है फॉरेस्ट्री दिख रही है फॉरेस्ट अगेन नेचुरल रिसोर्स का ही वहाँ पे यूज़ हो रहा है फॉरेस्ट्री में फिशरीज है लाइफ स्टॉक फार्मिंग है माइनिंग है ठीक है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं माइन्स जो हो हैं वहाँ से मेटल्स वगैरह निकाल रहे हैं तो वो भी अगेन हम नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स वगैरह तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एग्रेरियन जो इक एक, इकोनॉमी है दिस इज रूरल रादर देन अर्बन बेस्ड कई बार इसको एग्रेरियन भी कह देते हैं जैसा मैंने आपको बताया एग्रेरियन कब होगा जो फिफ्टी परसेंट से ज्यादा वो है एग्रेरियन इकोनॉमी इज रूरल रादर देन अर्बन बेस्ड रूरल क्यों होगी क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आसानी से एक्सेस किया जा सके जो उनकी इंटेंसिटी है तो इसलिए ये रूरल एरिया के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं चाहे एग्रीकल्चर का प्रिविलेंस देखें लाइव स्टॉक फार्मिंग का प्रिवलेंस देखें ये सब चीजें फिर सेकंड सेक्टर आता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर इस सेक्टर में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी जो क्या कर रही है प्राइमरी सेक्टर का ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसके इसके प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं और यहां पे किसी भी उसको फिनिश्ड uh, गुड को बना रही हैं क्लियर दैट रिलेट द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स अब ये क्या कर रही है कच्चे माल की इसकी जो आपूर्ति है सेकेंडरी सेक्टर की दैट विल बी मेनली फ्रॉम दिस प्राइमरी सेक्टर जैसे हम देखें टेक्सटाइल है है ना टेक्सटाइल है तो उसके लिए कॉटन आ रहा है यहां से आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से एग्रीकल्चर से कॉटन कल्टीवेशन है ठीक है वहां से आ रहा है टेक्सटाइल के लिए ठीक है स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील अगेन ठीक है जो भी आ, सप्लाई हो रही है रॉ मटेरियल की दैट विल बी अगेन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है फिनिश्ड जो गुड्स हैं इनको बन रहा है फिनिश्ड गुड्स के अंदर कुछ भी हो सकता है फर्नीचर बन रहा है ठीक है ना कपड़े बन रहे हैं एपरल्स हैं टेक्सटाइल है फर्नीचर uh, है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड है कोई भी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है गुड्स टेंजिबल प्रोडक्ट होना चाहिए ठीक है ना वो यहां पे आएंगे पेन है लैपटॉप uh, है ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही क्लियर तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं किसका फिनिश्ड गुड का फ्रॉम रॉ मटेरियल्स द सेक्टर कंप्राइजेस कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग तो सेकेंडरी जो सेक्टर है इसके लिए दो नाम और आपके यूज किए जाते हैं एक जगह पे कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए आपके दो और नाम यूज किए जाते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं सिंस मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो देयर ओके फॉर दिस फिनिश गुड फिनिश गुड्स जो भी चीज़ें बन रही हैं कारखाना होता है ठीक है ना तो इंडस्ट्रीज होती है इंडस्ट्री में होता है तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसी को कहते हैं सिंस मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो देयर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आपका ये रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम एन एग्रीकल्चर और रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टुवार्ड्स एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन द मास मैन्युफैक्चरिंग तो धीरे धीरे क्या होता है एग्रीकल्चर से जो सोसाइटीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग तक की तरफ मूव कर रही हैं और बुक के अंदर रोस्टाओ का मॉडल भी जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है उसका भी रेफरेंस दिया गया उसकी भी हम चर्चा करेंगे एक बार टर्सरी सेक्टर को भी कम्प्लीट करें इंक्रीजिंग द टोटल इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन सोसाइटी अब होता क्या है देखिए जब कोई भी इकोनॉमी है आप देखोगे उस इकोनॉमी का अगर टोटल आउटपुट हमने सो माना ठीक है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मतलब पचास परसेंट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर प्राइमरी सेक्टर से है तो वो एग्रोरियन इकनॉमी हो गया अगर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी uh, सेक्टर से है तो वो इंडस्ट्रील इकनॉमी हो गई तो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी होती है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं इनकम लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ठीक है ना इनकम लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. है, मिलती में भी आप इसको पढ़ोगे. एक टॉपिक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में वो भी आप पढ़ेंगे वहां पर आप देखेंगे कैसे इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ फिर पूरे यूरोप में फैलता है ठीक है ना फिर उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर क्या चाहिए कच्चा माल चाहिए कच्चा माल आपको जितना सस्ता मिलेगा उतना आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा तो आपका आप कॉम्पिटिटिव रहोगे है ना आप डोमिनेट करोगे तो जो कोलोनाइजेशन हुआ देखिए किस तरह से इकोनॉमी मेजर जो एस्पेक्ट हैं है ना पॉलिटिकल एस्पेक्ट है हर चीज़ को प्रभावित कर रही है हमारी लाइफ के हर आ, उसको प्रभावित करती है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि वहां पे क्या हुआ कॉलोनीज़ बनाने की होड़ चलने लग गई जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का राज था ठीक है ना तो इंडिया को अपने कब्जे में उन्होंने क्यों रखा ताकि वो अपना फेवर की पॉलिसीज वहां पे बना सकें इंडिया से कच्चे माल की आपूर्ति करें सस्ता कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाए वहां पे इंडस्ट्रीज में माल बनेगा ठीक है और फिर उसी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको इंडिया में भेजा जाएगा तो इंडिया क्या कर रहा है कच्चे माल का तो एक्सपोर्टर बन गया और फिनिश गुड का इंपोर्टर बन गया तो इंडिया की इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में रिड्यूस कर दिया और इतनी बुरी स्थिति उन्होंने कर दी थी जहाँ से अभी हम हमें निकलने में इतना टाइम लगा और आज भी हमारा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं हो पाया उस लेवल पे खैर वो एक अलग मैटर है तो ये कहने का मतलब है जब आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे टोटल इनकम इंक्रीज़ हो रही है लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहे हैं और आज हमें यूरोप के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी और ये देखने को मिलती है कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है ठीक है आगे हम यहाँ पर मूव करते हैं टरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर को सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो ये सर्विस सेक्टर भी है क्या है सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर मतलब यहां पे जो है, सर्विसे हैं सर्विसेज होंगे सर्विसेज होंगी अब सर्विसेज क्या होती है इनविजिबल जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस गुड्स तो आपको पता चल गया है, है, तो टेंजिबल है इसको आपने ऐसा टच किया क्योंकि वो ऐसा कुछ वो नहीं है ठीक है ना अगर हम बात करें बैंकिंग सर्विस है ठीक है ना तो ये जितनी भी सर्विसेज है चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम है ना टूरिज्म रिलेटेड चीजें हैं बैंकिंग है फाइनेंस है यू हैव दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड थिंग्स आगे आ, तब क्लासीफाई करेंगे हम इसको लेकिन अभी के लिए जितनी भी जो सर्विसेज आपकी आती हैं चाहे हम रिटेलर जो भी लेन देन हो रहा है ठीक है ना होल हैं रिटेलर हैं जो भी खरीद फरोख्त हो रही है मार्केट में वो चीज़ें हो गई एंटरटेनमेंट हो गया फाइनेंशियल कंपनीज हैं बैंकिंग इंडस्ट्री है ये सारी इसके अंदर आएगी ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल ऑल दिस काइंड ऑफ ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द दर्सरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर में ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं टूरिज्म है ट्रांसपोर्टेशन हो गया ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी बनेगी तो टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिजनेस एंड कंज्यूमर्स बाय सेलिंग द गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन द सेकेंडरी सेक्टर अब ये क्या करता है टर्सरी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है इंपॉर्टेंट रोल टर्शरी सेक्टर का क्या है द थिंग इज दैट कि टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज दे रहा है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प कर रही है किसके अंदर अपना टोटल आउटपुट बढ़ाने में अपनी एफिशियंसी बढ़ाने में ठीक है मान लीजिए यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में कोई फाइनेंस कंपनी है ठीक है जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है तो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है मतलब कैपिटल का एक्सेस इजी बना रही है पैसा अवेलेबल करा रही है तो जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि मोबाइल फोन बना रही है अगर उसको पैसा का एक्सेस इजी मिलेगा तो डेफिनेटली उसके लिए हेल्प होगी एक्सपेंड करने के अंदर ठीक है सिमिलर थिंग विल हैपन इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वहां पर उनको क्रेडिट का एक्सेस करना या फिर क्रिटिकल इंफॉमेशन प्रोवाइड कराना तो टर्शरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है वो सेकेंडरी और प्राइमरी जो सेक्टर है इनको क्या करता है इनको हेल्प करता है ग्रो करने में और अगर कोई इकोनॉमी है जहां पे टर्शरी सेक्टर जो है मोर देन 50 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ठीक है ना तो सर्विस उसको कहा जाएगा तो इंडिया कौन सी इकनॉमी में आ रहा है क्या आप बता सकते हैं इंडिया कौन सी इकोनॉमी के अंदर आएगा क्या इंडिया में है आज के टाइम पे एट प्रेजेंट क्या इंडिया कहलाएगा या सेकेंडरी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगा या सर्विस इकोनॉमी हम इंडिया को कह सकते हैं जहां पर सर्विस सेक्टर जो है फिफ्टी से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिल्कुल आएंगे टर्सरी को आगे डिवाइड किया गया है ये क्वार्टर नरी क्वीनरी ये सेक्टर क्या होते हैं ना ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा अभी के लिए जो मैंने एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ये जो आपका जीएस पेपर थ्री है उसका आपका बेस क्रिएट करेगा ठीक है ना फिर आपको जो करंट इवेंट्स हैं उससे इंटरलिंक करके आपको करना पड़ेगा मतलब ये जो चीज़ है इसको तो आपको कवर करना ही है और इसी के ऊपर थोड़ा सा और एडिशन होगा तब आपके जीएस पेपर थ्री का स्ट्रॉग बेस बनेगा ठीक है ना काफ़ी सारी चीजें तो बुक्स के अंदर बुक में कवर ही है लेकिन जैसा यूपीएससी का नेचर है करंट से रिलेट कर रहा है तो वो सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे जीएस पेपर थ्री जो मेन्स का परस्पेक्टिव प्री का परस्पेक्टिव दोनों यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं एक बच्चे का क्वेश्चन था उसके कॉन्टेस्ट में तो इंडिया जो है अग्रेरियन इकोनॉमी कहां से हो जाएगा इंडिया अग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जी में अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें फिफ्टी से ऊपर है दिस शुड बी अराउंड फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव परसेंट ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पचास प्रतिशत से ज्यादा है सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है इंडस्ट्रीज़ आर देयर और इंडस्ट्री में अगेन uh, आप देखोगे तो ट्वेंटी फाइव समथिंग परसेंटेज ठीक है ना पच्चीस प्रतिशत के आसपास ये बैठ रहा है और uh, इसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं तो बीस प्रतिशत के आसपास यहाँ पे बैठ रहा है तो ये प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत कम है कॉन्ट्रीब्यूशन पचास प्रतिशत तो छोड़ दीजिए तो बीस प्रतिशत के आसपास ही है तो एग्रेडियन इकनॉमी कैसे हो जाएगा इंडिया इंडिया तो सर्विस इकोनॉमी की तरफ मूव कर चुका है ना स्पेशली नाइनटीन के बाद में हम ये करें तो जनरली क्या होता है जैसा बुक में भी मेंशन किया गया रेफरेंस दिया गया स्टेजेस ऑफ ग्रोथ रॉस्टॉक का जो मॉडल है उसमें ये कहा गया कि पहले कोई इकोनॉमी होता है वो एग्री एग्री इकोनॉमी होती है फिर धीरे धीरे वो एडवांस होकर इंडस्ट्री की तरफ जाती है मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा फिर ये टर्सरी सेक्टर डेवलप होगा ठीक है ना उस इकोनॉमी में लेकिन इंडिया के, के केस में तो ऐसा हुआ ही नहीं ये सेकेंडरी सेक्टर तो डेवलप हो ही नहीं पाया मतलब इंडिया हमें इंडिया ने क्या किया लंबी छलांग लगाई कैसे जाना था आपको आपको जाना था आपको ये स्टेप है ये एग्रेरियन है ये इंडस्ट्रियल है और ये सर्विस वाला है तो आपको ऐसा करके ऐसा करके यूँ जाना था तो इंडिया ने ये ये वाला स्टेप हम खा गए और हमने डायरेक्ट ये लंबी वाली छलांग लगाई क्यों लगाई क्या इसका रीज़न आप बता सकते हो क्यों हुआ इंडिया के, के केस में ऐसा जन जनरली इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होना चाहिए था ठीक है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन हमने क्या किया इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना डेवलप नहीं हो पाया और डायरेक्ट हमारा सर्विस सेक्टर ही इंक्रीज हुआ क्या रीज़न रहा अगर आपने इलेवंथ की एनसीआरटी पढ़ी है यू शुड बी नोइंग द रीजन हाँ इंडिया ने सेकंड वाला स्किप किया क्यों किया ये मैं पूछना चाह रहा हूँ पूछा जा सकता है एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है देखिए एक तो आ, जिस तरह से इंडिया ने आ, जो सेकेंडरी सेक्टर है कैपिटल इंटेंसिव है ना जिस तरह की जो चीजें हमें चाहिए थी ियल इकोनॉमी होने की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो डेवलप नहीं हो पाया और शुरुआती दौर के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सेसिव कंट्रोल रखा लाइसेंस राज रखा एक्सेसिव कंट्रोल जिस तरीके से यहां पे रखा गया आपने नोटिस किया होगा कि उस टाइम पे क्या होता था अगर किसी कंपनी को प्रोडक्शन करना है मान लीजिए कोई कार बना रही है तो पहले तो ये होता था किस किस चीज में प्राइवेट सेक्टर होगा किस में नहीं होगा ये कैटेगराइजेशन फिर अगर आप आपको लाइसेंस मिल गया हाँ ये बनाना है मान लो कार बनानी है अब कार अगर आप सो बना रहे हो अगर आपको कार का नंबर बढ़ाना है कि मुझे डेढ़ सौ बनानी है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन प्राइस को लेके कुछ चेंज करना है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन मतलब इतना एक्सेसिव कंट्रोल ठीक है एक वो रीजन रहा और फिर यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया जो टर्सरी सेक्टर है जिसमें सर्विसेज आ रही है उस पर फोकस बहुत ज्यादा रखा सर्विसेज के अंदर आप देखोगे हेल्थ है हेल्थ एडुकेशन हो गया ये सब सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो फोकस था वेलफेयर ऑब्जेक्टिव यही था कि सबको जो है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा तो मिले है ना स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा आप कहीं पे भी अगर जाते हैं पोस्ट आप लेते हैं ठीक है ना आ, आपका सिलेक्शन हुआ आईएएस आईपीएस या जो भी आप बन रहे हैं तो आपको तीन चीज़ों पे मेजर फोकस करना पड़ेगा डेवलपमेंट में आप देखोगे स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा अगर तीन चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे से फोकस किया है तो फिर अपने आप चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट होती है उस रीजन के अंदर अगर आप शिक्षा को बेहतर बनाते हो स्वास्थ्य सुविधाएं है ना हेल्थ केयर पर ध्यान देते हो एजुकेशन पर ध्यान देते हो और सुरक्षा इन तीन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए चीज़ें वहाँ पर उस रीजन के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे क्रिएट होंगी थिंग्स टेक टाइम ठीक है ना चीज़ों को इम्प्रूव होने में थोड़ा समय लगता है लेकिन ये तीन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों को कम से कम हमें हेल्थ केयर है ना स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षा की सुविधाएं सिक्योरिटी रिलेटेड है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रहा था तो ये सब चीज़ें सर्विसेज में आई सर्विसेज पे वो इनपुट रहा और फिर फाइनली हमने देखा कि आई टी रिवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रहे इन सब की वजह से हमने देखा कि इंडिया का जो टर्सरी सेक्टर है वो यहाँ पे तेजी से ग्रो करता है और इंडिया आज के टाइम पे आप देखोगे तो मोर देन फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का अब ये तो हमने पढ़ लिया तीन चीजें अब होता क्या है ये जो ट्रशरी सेक्टर है इसके भी डिवीजन किए गए मतलब इसको सब डिवाइड कर दिया जैसे कई जगह पे अगर आपको तीन सेक्टर देखने को मिलेंगे तो कहीं पे आप देखोगे आईटी जो सर्विसेज हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज हैं कंसल्टेंसी वगैरह है उसको ट्रशरी सेक्टर में देते हैं कई जगह पे आप देखोगे कि ये जो सर्विसेज है उनको क्वार्टरनरी सेक्टर में दे दिया है ना जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया रिसर्च एक्टिविटीज है इंफॉर्मेशन रिलेटेड है आई सेक्टर है ये सारी चीजें तो कई जगह पर आपको क्वार्टरनरी में देखने को मिलता है तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है जनरली क्या है ट्रशरी जो सेक्टर है इसको दो सेक्टर के अंदर और डिवाइड करते हैं हम सब डिवाइड करते हैं मतलब टर्सरी सेक्टर के ही दो डिफरेंट यहाँ पे सब सेक्टर्स से, हैं एक है क्वार्टरनरी एक है क्वीनरी दो सेक्टर्स हैं क्वार्टरनरी और सेक्टर सो देखिए क्वार्टरनरी सेक्टर जो है जिसे हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं इसमें क्या आएंगी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज जिसके अंदर नॉलेज वो इन्वॉल्व है है ना तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो गया कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं ठीक है ना एजुकेशन है इंटेलेक्चुअल इंटलेक्चुअल जहां पे आप कर रहे हो वो सारी चीजें आप

ठीक है इस तरह से फर्म्स विद इन द क्वार्टर सेक्टर यूज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू इनोवेट इंप्रूव द प्रोसेस एंड सर्विसेज लीडिंग टू एनहांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वार्टर सेक्टर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट कि यहां पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उससे आप ओवरऑल प्रोसेस की एफिशियंसी बढ़ा सकते हो आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो आप देखोगे इंडिया जो है ना इंडिया वर्ल्ड की टॉप सिक्स इकोनॉमी में है पहले हम टॉप फाइव में भी आ गए थे यूके को हमने पीछे छोड़ दिया था लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम वापस से छठे नंबर पे आ गए बहुत जल्दी हम यूके को भी ओवरटेक कर लेंगे ठीक है लेकिन क्या रीजन है कि यूएसए जो है यूएसए की जो इकोनॉमी है उसका साइज दैट शुड भी दिस शुड बी अराउंड ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर समथिंग ट्वेंटी ट्रिलियन के आसपास है इंडिया का जो इकोनॉमी का साइज है वो थ्री ट्रिलियन डॉलर के आसपास है है ना तो कितना हो गया लगभग आठ गुना हो गया ना आठ गुना ज्यादा साइज है यूएस की इकोनॉमी का क्या रीजन है व्हाट इज द रीजन या फिर हम यूके यूके से ही कंपैरिजन क्यों ना करें यूके से ही कंपैरिजन क्यों ना करें इंडिया के पास में ज्योग्राफिकल एरिया भी ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है हमारे पास लेबर फोर्स भी ज्यादा है ठीक है तो फिर क्यों यूके जो छोटा सा देश है उसके कंपेरिजन में हमारी इकोनॉमी अभी भी लैग कर रही है या बराबरी पे ही खड़ी है आगे क्यों नहीं है, है? क्या रीजन है वट इज द रीजन रीजन लाइज इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आल्सो क्योंकि अब हम जो है इंडस्ट्रीज जो हैं अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर की तरफ मूव कर चुकी है, है ना जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे रहने वाला है so, ये जो सारी चीजें हैं ये क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आ रही है और क्वार्टरनरी सेक्टर में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है इनोवेशन बढ़ा रहा है वो सब तरीके से हेल्प कर रहा है फिर हमारे पास आता है क्वीनरी सेक्टर क्वीनरी सेक्टर भी टर्सरी सेक्टर का ही एक पार्ट है क्वीनरी सेक्टर में क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंदर जो टॉप डिसीजन मेकरस हैं ठीक है, है ना या फिर जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं या फिर जो भी कंपनियाँ हैं उसके अंदर जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं ठीक है ना एज यू कैन सी ही जो टॉप डिसीज़न मेकर हैं चाहे वो गवर्नमेंट है या कोई भी प्राइवेट फर्म है उसके अंदर फाइन उनको यहाँ पे क्वीनरी सेक्टर में वो सब चीज़ें डाली गई है मतलब हाई डिसीजन मेकिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती हैं ठीक है ना हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर परफॉर्म द क्वीनरी एक्टिविटीज़ अब क्वीनरी एक्टिविटीज़ जो हैं हालांकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है वो तो बहुत ही कम है बहुत माइन्यूट है लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है दैट इज़ ह्यूज ये डिसाइड करेंगी डायरेक्शन सोशियो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है या कोई भी पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन इकनॉमी अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेंगी ठीक है ना उसकी क्या जो है डायरेक्शन होगी इकनॉमी की उसकी इकोनॉमी की क्या जो है स्टेटस रहेगा कैसे ग्रो करेगी नहीं करेगी ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसलिए क्यूनर्जी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है तो ये जो पिक्चर्स हैं इससे आपको याद रह जाएगा ठीक है ना कन्फ्यूज नहीं होंगे नेक्स्ट हम आते हैं एक और टर्म यहाँ पे बुक के अंदर मेंशन किया गया कि जो दो सेक्टर तो हम देख रहे थे मैक्रो माइक्रो तो हमने देखा ही था है ना ब्रांचेस के अंदर एक और यहाँ पे टर्म मेंशन की गई है दिस इज इकोनोमेट्रिक इकोनोमेट्रिक्स ये टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया इकोनोमेट्रिक क्या होता है इकोनॉमेट्रिक uh, uh, बेसिकली इसका मतलब है कि किस तरीके से आप जो मैथमेटिकल मेथड हैं या स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं उनको इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो क्योंकि देखिए इकोनॉमी के अंदर एनालिसिस अगर आप हटा दोगे दिस इज समथिंग द सोल है ना आप समझिए कि ये सोल है uh, पूरे डिसिप्लिन की सो इट मेक्स अ सेंस ऑफ सो मेनी थिंग्स दिस इकोनॉमिक ट्रेंड और एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इकोनॉमेट्रिक इज दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पे आप ये स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए और ये हमें हेल्प करती है काफ़ी सारे आ, ट्रेंड को समझने के अंदर है ना टू रीच टू ए पर्टिकुलर डिसीजन डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हमें हेल्प कर रही है इकोनॉमेट्रिक्स अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है इकोनॉमिक सिस्टम के जो टाइप्स हैं इसकी हम चर्चा करेंगे टाइप्स uh, को कैसे डिवाइड करेंगे देखिए कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ठीक है ना उसके अंदर आपको मेजर जो चीज़ें चाहिए होती हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह देते हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको चाहिए लैंड कैपिटल लेबर और फिजिकल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई एक कंपनी खोलनी है है ना जिसके अंदर लेटेस्ट से कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है ना ये एज्यूम करते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए लैंड चाहिए फिर आप एक बिल्डिंग बनाओगे ठीक ठीक है है ना यू रिक्वायर दिस पर्टिकुलर लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज तो लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा फिर आपने यहां पे ये बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर दिया आ, और तो बिल्डिंग अगर आप यहां पे बना रहे हो ठीक है ना या फिर आ, जो भी यहां पे मशीनरी वगैरह आप कुछ लगाओगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कैपिटल चाहिए क्या चाहिए कैपिटल मतलब पैसा पैसा आपको चाहिए पैसा भी दो तरह का रहेगा एक वर्किंग कैपिटल है जिससे आप क्या करोगे जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अब आपने फैक्ट्री खोल दी मशीनें लगा दी तो डेफिनेटली यू रिक्वायर द वर्कर्स ना वर्कर होंगे तभी तो वहां पे काम होगा तो आपको क्या चाहिएगा लेबर तो उनको आपको वेजेस देने होंगे है ना जो भी उनकी सैलरी वगैरह है वो पे करना होगा तो ये क्या होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं जो किसी अभी प्रोडक्ट एक्टिविटी के लिए ठीक है ना किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए चाहे वो गुड्स है सर्विसेज है उसके लिए ये चीजें आपकी ये जरूरी होती हैं और फाइन लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पे आपका क्या चाहिएगा यू हैव दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपका एक होता है एंटरप्राइज या फाइन एंटरप्राइज या एंटरप्रन्योर जो होगा मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों को एकोमलेट करेगा जो कि इनिशिएटिव लेगा जो कि रिस्क लेगा कि हाँ मुझे यहां पे इन्वेस्ट करना है ये पैसा लगाना है ठीक है ये कंपनी खोलनी है वो पूरा मैनेज करेगा किस चीज का प्रोडक्शन करना है वो ये डिसाइड करेगा क्लियर तो वो हो जाएगा आपका एंटरप्रेन्योर तो इस तरह से ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे आपके लैंड या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैपिटल इज देयर लेबर इज देयर और एंटरप्राइज या एंटरप्रन्य अब हम इस पे आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है देखिए इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली कर क्या रहा है ये रेगुलेट कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब uh, कि किस तरह से ये uh, कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा क्यों इन्वेस्ट करेगा ये सारी चीजें ठीक है कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्टिव क्योंकि देखिए हमारी जो आवश्यकताएं हैं आज हमें पेन चाहिए ठीक है आ, या फिर आज आपको कहीं जाना है बस से मान लीजिए आप अपने गांव में हैं आपको गांव से शहर जाना है या शहर से गांव जाना है किसी भी पर्पज़ के लिए तो आ, जो भी आपको है या फिर आपको मकान चाहिए रहने के लिए तो जो भी हमारे लिए या फिर आपको आ, कहीं आप घूम रहे हो आपको खाने के लिए कुछ देखना है तो रेस्टोरेंट कहीं होगा या कोई खाना बना रहा है या कोई टिफिन सर्विस है तब आप खाओगे तो हमारी जो भी नेसेसिटीज़ हैं चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या अदरवाइज है जो भी हमारी आवश्यकताएँ हैं नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं क्योंकि कोई ना कोई उनको प्रोवाइड करा रहा है जैसे हमें खाने की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से खाना मिल रहा है हमें सब्जी की जरूरत है तो कहीं पर सब्जी का कल्टिवेशन हो रहा है मार्केट में वो आ रही है हम उसको खरीद रहे हैं क्लियर तो ये सब चीज़ें तो इकोनॉमिक ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा ये यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किस तरह से ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनका इंटरलिंकिंग रहेगा जैसे अगर हम बात करें कि कौन ये चीज़ें प्रोवाइड कराएगा क्यों प्रोवाइड कराएगा ठीक है ना मान लीजिए कोई पेन है तो कोई भी व्यक्ति जो है पेन बना रहा है ठीक है ना तो वो क्यों बनाएगा क्यों ये सारी जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर हमें इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से मिलते हैं सो इन दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑन दिस चैलेंज जिसकी हमने बात की जहाँ पर आपको ये नीड्स प्रोवाइड की जाएंगी देयर इवॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इसी प्रोसेस के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम आपके इवॉल्व हुए जिसके अंदर ये जो आ, ये जो क्वेश्चन है है ना इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया जाएगा जैसे कि कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा क्यों इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी है वो कहती है कि लोगों का एक सेल्फ मोटिव है प्रॉफिट ठीक है ना उसके लिए लोग करते हैं दूसरी जगह पे है कमांड इकोनॉमी नॉन मार्केट इकोनॉमी जहां पे जो स्टेट है राज्य है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ठीक है ना इस तरीके से तो इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं ये मेजर तीन टाइप में आपके कैटेगराइज किए गए हैं अगर ट्रेडिशनल इकनॉमी को छोड़ दें ट्रेडिशनल इकोनॉमी में कोई सरप्लस नहीं होता ठीक है वहीं पे जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसी से आप अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल का इकोनॉमिक सिस्टम है तो बुक के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है बेसिकली उनको तीन मेजर कैटेगरी में इन्होंने बांटा है और जिसके अंदर हमारे पास मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पहला है फिर नॉन मार्केट है और फिर मिक्सड है ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम हमारे को यहां पे मिलेंगे तो या यू कैन से टू सेटिस्फाई द नीड्स सो इन एन इकोनॉमिक सिस्टम इकनॉमिक सिस्टम क्या हो गया एक तरह का मीन हो गया बाई विच द सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज ठीक है इन अ पर्टिकुलर एरिया जिस तरह से वो रिसोर्सेज को यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह के मेजर इकोनॉमिक सिस्टम पड़ेंगे मार्केट है नॉन मार्केट है तो मार्केट के अंदर जो कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी आप सुनते हैं वो यहाँ पर चर्चा होगी नॉन मार्केट के अंदर कैपिटलिज्म सोशलिज्म कम्युनिज्म जो आप सुनते हैं वो वहाँ पे चर्चा होगी फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि जॉन मेयार्ड जो उनकी फिलासफी है उसके ऊपर पूरा आधारित है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पे हम आते हैं और ये जो पूरा सिस्टम है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से डेवलप हुआ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपको बताया था वहाँ पर लेबर जो है उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है ठीक है ना वहाँ पे कोई सरप्लस भी आपका नहीं बन रहा है और इसलिए वो सस्टेनेबल भी हैं लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम हुए मतलब जो बिल्कुल गांव लेवल पे आप देख सकते हो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी सारे सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस हैं तो उसके बाद में ये जो इमर्ज हुआ सिस्टम मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के बाद ही ये वहीं से आपका डेवलप होता है और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो एडम स्मिथ ने रखा ठीक है ना ये स्कॉटिश आपके इकोनॉमिस्ट रहे हैं और एडम स्मिथ का ये जो वर्क है वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है ठीक है ना एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन ये जो वेल्थ ऑफ नेशन वाला वर्क है यहाँ पे इन्होंने क्या रखा जो जो क्लासिकल इकोनॉमिक economic है इकोनॉमिक्स है उसकी इन्होंने नींव रखी और इकोनॉमिक्स का फादर भी इनको बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए क्या बताए कि अच्छा कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो क्यों करेगा कौन करेगा इन्वेस्ट क्यों करेगा इन्वेस्ट या फिर कोई भी जो है क्यों किसी भी गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा तो उसका आंसर ये दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि द सेल्फ इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स और फॉर्म्स टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि लोगों का कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो यहां पे क्या रहेगा एक प्रॉफिट मोटिव रहेगा तो लोगों का जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है जो उनको मोटिवेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए तो अगर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट है मतलब प्रॉफिट मोटिव है तो वो क्या कर रहा है कुछ भी मान लीजिए टिफिन सर्विस चला दिया सो अगेन देर इज़ अ मोटिव ठीक है किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो इंडीड ये आज ट्रू दिखता है जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं या जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म इस सब पे हम आएंगे है ना वेट करिए नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर हम मूव करेंगे सो सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स और फर्म्स टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां से उनको गुड्स और सर्विसेज मिल रही है तो ये जो uh, था ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर है जो सेल्फ इंटरेस्ट है ठीक है ना जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है इस मोटिवेटिंग फैक्टर को इन्होंने क्या नाम दिया इनविजिबल हैंड अब इस इनविजिबल हैंड को आपको याद रखना है इनविजिबल हैंड ये जो है ये आपका जो इकोनॉमिक सर्वे था 2019-20 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आपका आया था उसके अंदर इसको डिटेल के अंदर इन्होंने डिस्कस किया था इनविजिबल हैंड आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का जितना मुझे याद आ रहा है 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे उसकी हैडिंग ही ऐसा कुछ था इस वर्ड को काफी बार यूज किया गया था सो दिस इनविजिबल हैंड दिस मोटिवेटिंग फैक्टर द इनविजिबल हैंड इसको यहां पे इन्होंने कहा है ठीक है ना टू अटेन द हायर प्रॉस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिविजन ऑफ लेबर और क्या इसके प्रिंसिपल है मार्केट इकोनॉमिक्स के पहला तो ये कह ये, ये, है. है? ये, ये कह रहा है कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर फैक्टर है 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 ये ये क्या सेल्फ इंटरेस्ट ठीक मोटिवेटिंग सेकंड ये कह रहे हैं कि जो लेबर है उसका स्पेशलाइजेशन होगा ठीक है ना स्पेशलाइजेशन होगा स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर से क्या होता है आपने हर व्यक्ति का, का एक काम डिसाइड कर दिया तो वो उससे क्या होगा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आउटपुट बढ़ जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा आपने जो लार्ज जॉब है उनको छोटे छोटे स्मॉल कॉम्पोनेट में डिवाइड कर दिया मतलब स्पेशलाइजेशन इज देयर और डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर स्पेशलाइजेशन ब्रिंग्स द स्पीड प्रिसीजन एंड क्वालिटी इन द लेबर फोर्स इस परपज से इन्होंने यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में हमें ये डिवीजन लेबर दिखेगा फॉर इनविजिबल हैंड टू ऑपरेट प्रॉपरली अटेबल इन्वायरमेंट इज नेसेसरी अब ये सूटेबल इन्वायरमेंट क्या है एक प्रॉपर मार्केट वहां पे जरूरी है ठीक है ना मार्केट का होना जरूरी है डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई मतलब ये जो डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज है इनको मार्केट फोर्स कहते हैं तो इनका होना जरूरी है ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहां पे मोटिवेट होके सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब उसको प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे करनी है तो उसके लिए मार्केट का होना जरूरी है है ना मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई तो अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं होगी तो फिर वो प्रोड्यूस क्या करेगा समझ रहे हो आप तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहां पर जो है मार्केट का डेफिनेटली एक होना जरूरी है और जो कि आपका डिमांड एंड सप्लाई से आपका चलेगा फॉर एफिशियंट ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट शुड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ लेसे फेयर लेसे फेयर का सिंपल सा मतलब है नॉन इंटरफेरेंस इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से अगर हम इसको देखें नॉन इंटरफ्रेंस तो ये जो मार्केट इकोनॉमी सिस्टम है या जो एडम स्मिथ की फिलोसफी है ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो होना ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा या जितना कम होगा उतना जो मार्केट है एफिशियंट होगा उतनी अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस होगा तो इन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म करना है तो यहां पे लेजे फेयर मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इस परपज के साथ इन्होंने ये प्रिंसिपल्स यहां पे दिए अब यहां पे गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो फिर रेगुलेट कौन करेगा मार्केट के अंदर किस तरह से रेगुलेशन होगा तो ये कह रहे हैं कि यहां पे जो रेगुलेशन होगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटिशन कैसे होगा कॉम्पिटिशन के बेसिस पे होगा कंपटीशन से सारी चीज़ यहाँ पे डिसाइड होगी मार्केट ही अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा मार्केट ही सारी नीड्स पूरी करेगा इनके हिसाब से ये है कि मार्केट जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है यही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा यही चीज़ों की प्राइस को भी कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो हम देखते हैं कि हाँ सप्लाई कॉन्स्टेंट है डिमांड बढ़ गई तो प्राइसिस भी बढ़ जाएंगी ठीक है तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो मार्केट है ये सारी चीज़ों को इस तरह से रेगुलेट करेगा और ये फिलोसफी इन्होंने इस तरीके से दी एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच इकोनॉमिक सिस्टम एज द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी इन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पे नाम दिया और यहीं से दो जो आइडियाज हैं दो जो मेजर इकोनॉमिक सिस्टम है वो निकल के आए हैं कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बुक में बताया गया है वो हम देख लेंगे कि कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है क्योंकि जनरली दोनों को सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है है ना और दोनों के अंदर काफ़ी सारे फैक्टर कॉमन ही हैं कि जो मार्केट रहेगा वो रहेगा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रहेगा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम रहेगा लेकिन यहां पे थोड़ा सा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो सकता है और उस केस के अंदर क्या होगा अगर यहां पे कुछ रेगुलेशन है सम गवर्नमेंट रेगुलेशन कुड बी देयर बट प्राइवेट ऑनर कैन हैव मोनोपोली ऑन द मार्केट तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या हो सकता है कि uh, एक प्राइवेट प्लेयर की मोनोपोली यहां पे हो सकती है मतलब जो फ्री मार्केट है बिल्कुल या जो कॉम्पिटिशन है वो हैम्पर हो सकता है किस केस में कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये कह रहे हैं कि कहीं कही ना कहीं यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है मोनोपोली क्रिएट होगी तो कॉम्पिटिशन हेम्पर होगा मोनोपोली का मतलब है कि एक ही प्लेयर है जैसे आपने देखा होगा शुरुआती दौर में बी एस एन हिल बी एस एन एल था वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता था बी एस एन एल वॉज द ऑनली प्लेयर ठीक है शुरुआती दौर के अंदर लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ और दूसरे प्लेयर आए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ अभी आप देखेंगे उस टाइम से कंपेरिजन करके कंज्यूमर को भी फ़ायदा हुआ ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री सेक्टर को भी फ़ायदा हुआ ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो है मोनोपोली हो सकती है इसलिए ये कंपटीशन को प्रिवेंट कर सकती है लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन जो है वो ओपन ही रहेगा हमेशा ठीक है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफ्रेंस नहीं के बराबर है तो वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो उसका सवाल ही नहीं उठता है क्यों क्योंकि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है क्या है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और तो वहां पे क्या होगा फ्री मार्केट है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो डेफिनेटली अभी एक प्लेयर वहां पे वो पर्टिकुलर चीज़ को सप्लाई कर रहा है तो आप देखोगे धीरे धीरे सेकंड प्लेयर भी आ जाता है थर्ड प्लेयर भी आ जाता है फोर्थ प्लेयर भी आ जाता है क्लियर जैसे आपने देखा कि शुरुआती दौर में ई कॉमर्स e के अंदर फ्लिपकार्ट वाज देयर फिर उसके बाद में अमेजोन आ गया अभी टाटा की भी एंट्री है ठीक है जियो इज़ देयर तो काफ़ी सारे लोग वहां पर आ रहे हैं तो ये कॉम्पिटिशन तो हेम्पर हो ही नहीं सकता फ्री मार्केट इकोनॉमी के केस में ये यहाँ पे एक डिफरेंस इन्होंने बताया है और एक और डिफरेंस ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म इज फोकस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन और ऑनरशिप के ऊपर फोकस है जबकि यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी में वेल्थ के एक्सचेंज के ऊपर फोकस है मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल इसके ऊपर आप इसकी हेल्प से आप एक्सचेंज कर रहे हो सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेज जो यहाँ पे इन्होंने बताया तो कुल मिला के जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है ये आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसी की यहां पे चर्चा कर रहे हैं और ये अप्लाई किया गया सबसे पहले आपके यूएसए के अंदर और वहां से पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट हुआ अगर आप देखोगे तो यूएसए के अंदर ये सबसे पहले इसको ट्राई किया गया वहां पर सक्सेसफुल रहा फिर वहां से ये स्प्रेड हुआ यूरोप के अंदर फाइन स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको फॉलो करना स्टार्ट हुआ और वहाँ पे इन्होंने ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि उन्होंने काफ़ी जल्दी से वेल्थ क्रिएशन किया और काफ़ी सारी जो वेल्थ है वो वहाँ पे जमा भी की आ, लेकिन ये जो पूरा कैपिटलिज्म uh, था या जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम था कैपिटलिज्म था ये सक्सेसफुल रहा नहीं रहा इसका टेस्ट कब आया सामने इसका टेस्ट आया ग्रेट डिप्रेशन के रूप में जैसे होता है ना आपने साल भर पढ़ाई करी पूरी जम के पढ़ाई करिए अब आपका टाइम आ गया एग्ज़ाम देने का अब एग्ज़ाम देने का टाइम है तो पता चलेगा क्या परफॉर्मेंस रही है तो ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन का जो ग्रेट डिप्रेशन आया इसके अंदर क्या हुआ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट तक एम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया था स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था लोगों के पास रहने को घर नहीं थे ठीक है ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर इश्यूज चल रहे थे देर वॉज अ पैनिक मनी सप्लाई वहां पे कम थी तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई और वहां पर ये जो इकोनॉमीज थे वो फेल करना स्टार्ट हो गए फेल करना स्टार्ट हो गए तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था उसने क्या किया उसने एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया किस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया इसने कहा कि अच्छा आप तो कह रहे थे कि हाँ सारा काम मार्केट कर लेगा आपको आने की जरूरत ही नहीं है जैसे कई बार होता है ना छोटे बच्चे कहते हैं कि नहीं पापा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है हम कर, कर रहे हैं ना या भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुद ही करें ठीक है लेकिन जो बड़े हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है वो किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते हैं तो वो एक अच्छी स्पिरिट के साथ हमें उनकी एडवाइस लेनी चाहिए लेकिन वो खुद कर रहे हैं फिर वो गिर के संभलेंगे कि अच्छा हाँ पापा ने कहा तो था ऐसा है गलत है तो यहाँ पे क्या हुआ ये शुरू में कह रहे थे कि हर चीज क्या कह रहा था मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कि मार्केट जो है ये सेल्फ सफिशेंट है हर काम ये देख लेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ये देख लेगा ठीक है किस चीज़ का प्रोडक्शन होना है कौन सी चीज़ अवेलेबल करानी है नहीं करानी है कितनी करानी है सारा काम ये मार्केट अपने हिसाब से यहाँ पे देख रहा है तो इन्होंने ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये जो मार्केट फोर्सेज हैं इनको कहा एडम स्मिथ ने कि ये जो है ये अपनी तरफ से पूरा करेंगे तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स थी उसके प्रिंसिपल यहाँ पे हिल गए ग्रेट डिप्रेशन के बाद में क्योंकि ये इकोनॉमीज बहुत नीचे आ गई और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या मतलब ये तरीका सही है क्या इस तरीके से हमें जाना चाहिए क्या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल क्या मार्केट फोर्सेज हर जगह पर सफिशेंट है हर चीज़ प्रोवाइड करने में तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा और इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने दिया इसका आंसर दिया जॉन मेयार्ड किन्स ने फाइन और इनका एक वर्क है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी तो ये जो वर्क इनका रहा इसने जो हमने दो ब्रांच पढ़ी थी आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो मैक्रो ये जो दो ब्रांचेस बढ़ती हैं ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद में ही बटना स्टार्ट होती है ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया और इससे उबरने में काफी लंबा समय लगा ठीक है लेकिन वहां पे यूएसए ने क्या किया अभी हम चर्चा भी करेंगे Uh, कि किस तरह से यू ने वहाँ पे या जो गवर्नमेंट है उसने किस तरह से वेलफेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किए है, है ना लोगों को सहायता देना स्टार्ट किया क्योंकि क्लासिकल uh, इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से तो गवर्नमेंट का इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा जॉन मेयारंस ने कि आपको कुछ जो है कुछ अपने तौर तरीके बदलने होंगे और कुछ तौर तरीके कहाँ से लेने होंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी से नॉन मार्केट इकोनॉमी कह लीजिए स्टेट इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी कह लीजिए जो कि रशिया ना जो सोशलिज्म से आप इसको कंपेयर कर सकते हो तो वहां पे क्या करते हैं स्टेट प्रोवाइड कराते हैं स्टेट काफी सारी हेल्प वहां पे कर रहा है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए इन सॉल्यूशंस को यहाँ पे अप्लाई किया गया और फिर ये देखा कि ये इकोनॉमीज़ यहाँ पे इस क्राइसिस से डिप्रेशन से वापस निकल रही है ठीक है क्राइसिस डिप्रेशन से वापस निकल रही है ये जो वर्ड यूज किया गया डिप्रेशन से थोड़ा कम वाला जो होता है वो रिसेशन है ठीक है ना रिसेशन मतलब आपकी जो जी है या इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है वो फॉर कॉन्जिक्यूटिव टू क्वार्टर्स आपका क्या है नेगेटिव में है मतलब जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है लगातार छह महीने के लिए दिस इज नाउन एज रिसेशन उससे भी खतरनाक और बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है डिप्रेशन के अंदर तो ये 2008 वाला था रिसेशन तो ये आपको पता चल जाएगा और डिप्रेशन 1929 का ये है ये आप ध्यान रखिए तो यहां पे इसका जब सॉल्यूशन निकाला तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए इन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा स्टेट को थोड़ा एक सपोर्टिव रोल देना पड़ेगा जहां पे मार्केट फोर्सेज इन्होंने क्या कहा किन्स ने क्या कहा कि हर जगह पर मार्केट फोर्सेज सफिशियंट नहीं है जहां पे हैं उनको रहने दो जहां पे नहीं है वहां पर स्टेट का सपोर्ट देने की जरूरत है तो ये इन्होंने कहा और वहां से जो स्टेट का सपोर्ट देने की बात आई वो नॉन मार्केट इकोनॉमी या सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन्होंने यहां पे यूज किए हैं सो दिस वॉज द थिंग और आ, हमने देखा कि इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स वगैरह इस तरीके से यूज़ किए ठीक है, है ना उसके बाद इन इकोनॉमी नौ, ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया और यहीं से जो है एक मैक्रो इकोनॉमी जो डिसिप्लिन है ये डेवलप होता है या फिर जो मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम जो हम पढ़ेंगे मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम ये आपके डेवलप होते हैं मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम आपके डेवलप होते हैं अब देखिए कैपिटलिज्म के काफ़ी सारे बेनिफिट है इंडिविजुअल सक्सेस है बिजनेस uh, uh, को ग्रो करने में हेल्प करता है वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर रहा है ठीक है ना ये सब चीज़ें इसके अंदर है इनोवेशन इज़ देयर एंड ऑल लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव uh, चीज़ें भी हैं कैपिटलिज्म या जो मार्केट इकनॉमी है फ्री मार्केट इकनॉमी कह लीजिए इसके साथ में कुछ समस्याएँ भी हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है इनक्वालिटी की आज हम देखेंगे कि इनक्वालिटी अगेन कोविड नाइन्टीन के बाद बहुत बड़ा इशू बन गया है तो इनक्वालिटी इज अगेन वन ऑफ द मेजर इशू और ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या बनी हुई है और कैपिटलिज्म का भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें यही रहा कि जो गरीब आदमी है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा देखिए कैपिटलिज्म में क्या होगा मार्केट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं मार्केट फोर्स वर्क करने का क्या मतलब है मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है उसको दवा चाहिए उसको मेडिसिन चाहिए लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये ये मार्केट सिस्टम क्या कहता है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी ठीक है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड नहीं है तो वो चीज़ हम क्रिएट ही नहीं करेंगे क्लियर तो यहां पर तो दिक्कत हो गई गरीब आदमी फिर कैसे वो सरवाइव करेगा तो जिसके पास परचेजिंग पावर कम है उनको इन्होंने नेग्लेक्ट किया हमने देखा कि जो वेल्थ है उसका एक्मुलेशन होने लग गया कुछ इंडिविजुअल्स के पास में ठीक है और ये इनक्वलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई इकोनॉमिक इनक्वलिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई वेलफेयर एक्शन स्टेट के कुछ भी नहीं यहाँ पे थे वेलफेयर एक्शन नहीं थे वेलफेयर एक्शन में क्या होगा अच्छा अगर आप घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग दे रही है जैसा भारत में अभी है अभी तो मेजर जो इकोनॉमीज़ है सभी ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ ही मूव कर लिया है अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखोगे तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी टाइप कुछ नहीं है क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल रहेगा सो दिस इज द थिंक है ना ये सब समस्याएं थी और इन समस्याओं का समाधान भी हमें यहाँ पे ये जो किन्स के प्रिंसिपल हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा अगर आप आ, आ, हेल्थ केयर आप दवा खरीद नहीं सकते हो तो सरकार क्या कहेगी हम आपको फ्री में दवा देंगे अगर आप हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको फ्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज देंगे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे वहाँ फ्री में इलाज होगा फ्री में एजुकेशन दी जा रही है तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आपको दी जा रही है ये है मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम इस पर भी हम आएंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी पे भी हम आते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर uh, जो है इसको किस किस नाम से जाना जाता है स्टेट इकोनॉमी कह देते हैं कमांड इकोनॉमी कह देते हैं सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी भी कह देते हैं और ये जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है ये एक तरह से रिएक्शन के रूप में डेवलप हुआ किस चीज़ के जो कैपिटलिज्म था ये जो मार्केट इकोनॉमी थी उसके रिएक्शन के रूप में क्योंकि तो यहां पे हम देख रहे थे ये वाला सिनेरियो बन रहा था ये वाला सिनेरियो बन रहा था और इसके आ, मतलब रिएक्शन के रूप में प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने कार्ल मार्क्स की ये थ्योरीज आती हैं और कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हैं उसी के अंदर हम देखते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म सोशलिज्म और कम्युनिज्म दो फॉर्म ये डेवलप होते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी के तो सोशलिज्म कम्युनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है इनको भी हम लेंगे और ये किसमें आएंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर आएंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी में आएंगे तो अभी के लिए हम सेशन को जो है अप कर रहे हैं बिकॉज आपकी बारह बजे भी एक क्लास है ट्वेल्व पी पे आपकी स्पेशल क्लास है स्पेशल क्लास है और इसके अंदर हम कर रहे हैं मेंस के इशू बेस्ड करंट अफेयर्स 2022 और 23 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो इश्यू बेस्ड करंट अफेयर हैं कि मेंस में करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस रहता है उसमें हम करंट अफेयर से चीज़ों को लिंक करते हैं तो अब ये बारह बजे आपकी क्लास है जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपका शेयर कर रहा हूँ प्री क्लास रहेगी यू कैन यूज़ द कोड आर बी लाइव टू अनलॉक दिस फ्री क्लास ठीक है और ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे डेली आपकी दस बजे ही क्लास स्टार्ट होगी एक से डेढ़ घंटा हम क्लास का टाइमिंग रखेंगे और दस बजे आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा क्लास के लिंक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे फाइन मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे क्लास को ज्वाइन uh, करें ठीक है ना यहाँ पे क्लास अटेंड uh, करें अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करें ठीक है फिर धीरे धीरे मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से इंटरलिंकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत इसमें मज़ा आने लगेगा बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया है और ये जो क्लास है आपकी डेली बेसिस पे रहेगी चलिए हम रैप अप करते हैं कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं यूट्यूब पे रहेगी बिल्कुल रहेगी यूट्यूब पे अनकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज आपको घर बैठे मिल जाते हैं कोई कंपल्शन नहीं है कि, कि किसी बड़ी सिटी में ही शिफ्ट होना है या फिर लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा वो सारे कंपल्शन हट गए बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं अन आपको देता है डेली लाइव क्लासेस डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज और हमने देखा कि 170 प्लस टॉपर्स रहे इस बार अनकेडमी के साथ तो आप भी अन की सक्सेस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ टेलीग्राम पे भी मिल जाता है डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज करना है कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है कोई भी एक प्लान चूज कीजिए जैसे आपने एक साल का चूज किया यूज द कोड आरबी लाइव आपको कोड का ऑप्शन आता है नीचे उसमें आप जब ये आरबी लाइव कोड डालेंगे तो जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा एक और फायदा ये रहेगा कि यू विल बी गेटिंग दिस पर्सनलाइज गाइडेंस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू प्लस को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये जो भी चीजें सो मेक श्योर वाई गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग दिस कोड आर बी लाइव आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है ठीक है और ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइस है कॉम्बो मतलब आपकी इसमें जी एस सी सेट ऑप्शनल सारी चीज़ें आ गई पूरी प्रिपरेशन आ गई ये केवल जी एस और सी सेट का सब्सक्रिप्शन प्राइस है आइकॉनिक में लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट है नए बैचेज आपके पंद्रह तारीख से स्टार्ट हुए हैं तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा यह है एक ही बार आपको फीस देनी है और अन अकेडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं जिन भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं बैच कोर्सेज सब आपके लिए फ्री है केवल एक बार फीस देनी है एवरीथिंग विल बी फ्री ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म Uh, ये ऑप्शनल की फीस है पॉपुलर uh, ऑप्शनल आपके अवेलेबल हैं ये देख सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश बाईलिंग डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड टीम है ज़ीरो परसेंट डी का ऑप्शन आपको मिल जाता है और हर संडे आपका फ्री टेस्ट होता है है ना कॉम्बैट होता है फ्री टेस्ट ये कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने पिछले साल कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट किया रेगुलर बेसिस पे और आप देखेंगे परफॉर्मेंस ऑल्सो देयर तो ये क्या होता है एक आपकी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने का तरीका है काफी सारे क्वेश्चन हिट किए आपको याद होगा एन का एक क्वेश्चन था वो डायरेक्ट वहां से पूछ लिया था तो uh, कैसे पार्टिसिपेट करना है कॉम्बैट नाम से लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूज द अनलॉक कोड आर बी लाइव ठीक है सो दिस इज ऑल गाइज वी आर रैपिंग अप द सेशन ऑल द वेरी बेस्ट हैं इससे पहले हमारी स्पेशल क्लास में भी मिलते हैं नोट्स uh, कैसे बनाने हैं वैसे ये जो पी फॉर्म में ये नोट्स हैं क्लास के वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे इसके अलावा हाँ आप पीयूष ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा नहीं आठ बजे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस है मतलब न्यूज़पेपर एनालिसिस है आठ बजे वो इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें यू विल गेट टू नो द रोल और द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट क्लास एक बार हम इसे करते हैं एन भी आप साथ साथ चाहें तो पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है नाइन्थ की एन से स्टार्ट कर दीजिए वैसे जो भी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी वो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे गाइड्स